कल आधी रात को हुई है पूजा भट्ट और जिया की बहुत बड़ी लड़ाई। यहाँ पर जिस तरीके से जिया ने पूजा भट्ट के बारे में कहा और पूजा भट्ट ने जिस तरीके से लगातार सुनाया है जिया को, एक असली रूप पूजा भट्ट का सामने आ गया है। हालांकि पूजा भट्ट इतना ज़्यादा भड़की हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि पूजा भट्ट ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगी। पूजा भट्ट ने जिया को जहरीली नागिन कहा, कहा कभी तुम 3 साल की बच्ची बन जाती हो, कभी बड़ी बन जाती हो और तुम लोगों को डसती हो। कृष्णा आया था, उसने तुम्हें जहरीली नागिन गलत नहीं कहा था। तुम जहां बैठती हो जहर फैलाती हो, अपने ही दोस्तों के पीछे बोलती हो, अपने ही दोस्तों के पीठ में छुरा घोपती हो। पहले अभिषेक, फिर अवि, फिर पलक, कभी पलक, कभी फलक, कभी अभिषेक, कभी फुकरा, तो इस तरीके से लगातार वो सभी के नाम रिपीट करती रहीं। हम आपको बता दें कि पूजा भट्ट को इस बात से काफ़ी गुस्सा है कि जिया जो है वो पीठ पीछे अपने ही दोस्तों की बुराइयां करती है और यही चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही। कल रात को पूजा भट्ट का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहाँ वो जिया को बोलती नजर आई कि इंडस्ट्री में इतना काम किया है तुमने, एक फिल्म होने के बाद लोग दूसरी फिल्म एटीट्यूड देख कर देते हैं, सिर्फ चेहरे पर कोई नहीं जाता, अगर तुम इंसान अच्छी नहीं हो तो काम भी तुम्हें इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अब पूजा भट्ट ने जिया की क्लास लगाई है उसे हर कोई देखता रह गया। पर यहाँ पर वो लगातार इस बात से नाराज़ थी कि जिया अपने दोस्तों को भी कैसे धोखा देकर फिर वापस उनके पास चली जाती है, वो भी बेशरम बनकर। आप पूजा भट्ट की बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।